सब्सक्राइब करें अपने चैनल निटिंग यार्न को और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बेबी सॉक्स बनाने में लगभग 35 ग्राम ऊन लगी है इसके पैर की लंबाई चार इंच है और चौड़ाई सवा दो इंच है अगर आप भी ये सॉक्स बनाना चाहती हैं तो शुरू करिए मेरे साथ मैं आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हर संभव मदद करूंगी अगर कोई क्वेश्चन को रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछे मैं उसका आंसर तुरंत दूंगी आइए शुरू करते हैं बेबी सॉक्स कैसे बनाते हैं आज मैं आपको एक से छ महीने के बच्चे के लिए मुझे बनाना बताऊंगी मोजे इस तरह से बनाऊंगी मोजे बनाने के लिए मैं पैंतीस फंदे डालूंगी एक दो तीन चार पाँच छ इस तरह से डालते हुए पैंतीस फंदे डाल लेंगे फंदे हम दस नंबर की सलाई पर डाल रहे हैं पैंतीस फंदे हमने डाल लिए हैं। पहली सलाई सीधी तरफ पूरी सीधी सलाई बुनेंगे पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे दूसरी सलाई उल्टी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया पूरी सीधी सलाई बुनेंगे पूरी सीधी सलाई बुनेंगे देखिए इन्हीं दो सलाइयों को दोहराते हुए बारह सलाइयाँ ऊपर और बुनेंगे उसके बाद आगे दिखाएंगे बारह सलाइयाँ ऊपर और बुन ली हैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक चौदह सलाइयाँ हैं एक लाइन दो सलाई से बनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात चौदह सलाइया अब आगे एक फंदा बिना बुना उतार लिया एक फंदा सीधा बुना ऊन आगे की दो फंदे एक साथ पीछे से सीधे बुने यहाँ पर डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे ऊन आगे की दो फंदे एक साथ सीधे बुने ऊन आगे की दो फंदे एक साथ पीछे से सीधे बुने ऊन आगे की दो फंदे एक साथ पीछे से सीधे बुने इसी तरह पूरी सलाई बुनेंगे आखिरी में ऊन आगे की दो फंदे एक साथ पीछे से सीधे बुने ऊन आगे की दो फंदे एक साथ पीछे से सीधे बुने एक फंदा किनारे पर सीधा बुना अगली सिलाई उल्टी तरफ एक फा बिना बुना उतार लिया पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे पूरी सीधी सलाई बुनेंगे अगली सिलाई सीधी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया पूरी सीधी सलाई बुनेंगे पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे अगली सिलाई उल्टी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे। इसी तरह से दो सलाइया और बुनेंगे उल्टी तरफ भी सीधी और सीधी तरफ भी उल्टी उसके बाद आगे बताएंगे चार सलाइया ऊपर और बुन ली हैं दो सलाईयां, चार नहीं दो सलाईयां ऊपर और भी बुनी है दो पहले बुनी थी यहाँ पर कुल चार सलाईयां हो गई हैं अब आगे सत्रह फंदे सीधे बुनेंगे एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह पंदे सीधे बुन लिए हैं एक पंदा यहाँ पर सत्रह फंदे छोड़ दिए अब एक फंदे के आसपास जाली बनाएंगे ऊन आगे की एक फंदा सीधा बुना ऊन आगे की सत्रह फंदे सीधे बुने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह यहाँ पर पहली सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं दूसरी सलाई उल्टी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया सोलह फंदे सीधे बुने उतारे हुए फंदे को मिलाकर सत्रह फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ऊन आगे की बढ़े हुए फंदे उल्टी सिलाई में उल्टे बुनेंगे तीन फंदे सीधे बुने एक दो तीन ऊन पीछे की सत्रह फंदे सीधे बुने हर उल्टी सलाई में सत्रह फंदे इधर तरफ सीधे बुनेंगे और सत्रह फंदे इधर तरफ सीधे बुनेंगे बीच वाले फंदे बड़े हुए फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तीसरी सिलाई सीधी तरफ एक फंदा बिना बुना उतालिया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ऊन आगे की तीन फंदे सीधे बुने एक दो तीन ऊन आगे की सत्रह सीधे बुने सत्रह फंदे सीधे बुनेंगे चौथी सलाई उल्टी तरफ सत्रह पंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ऊन आगे की पांच फंदे उल्टे बुने एक दो तीन चार पाँच ऊन पीछे की सत्रह फंदे सीधे बुने इधर तरफ वाले फंदे सीधे बुनेंगे पाँचवी सिलाई सीधी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया एक दो सत्रह पंदे सीधे बुने तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह उन आगे की पांच फंदे सीधे बुने एक दो तीन चार पाँच ऊन आगे की सत्रह फंदे सीधे बुने छठी सिलाई उल्टी तरफ सत्रह फंदे सीधे बुने दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह उन आगे की सात पंदे उल्टे बुने एक दो तीन चार पच सात। ऊन पीछे की सत्रह फंदे सीधे बुने सारे पंदे सीधे बुन लेंगे सातवीं सलाई सीधी तरफ एक पंदा बिना बुना उतार लिया एक दो तीन सत्रह पंदे सीधे बुने चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ऊन आगे की एक दो तीन चार पाँच छ सात फंदे सीधे बुने ऊन आगे की सत्रह फंदे सीधे बुने आठवीं सिलाई उल्टी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया सोलह पंदे सीधे बुने एक मिलाकर सत्रह पंदे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह न आगे की एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ पंदे उल्टे बुने उन पीछे की सत्रह पंदे सीधे बुनें नवी सिलाई सीधी तरफ एक पंदा बिनाबना उतार लिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह फंदे सीधे बुने उन आगे की एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे सीधे बुने उन आगे की सत्रा फंदे सीधे बुने एक दो तीन चार इसी तरह सारे पन्धे सीधे बोलेंगे दसवीं सिलाई सीधी उल्टी तरफ एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सीधे ने उन आगे की एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह फंदे उल्टे बुने उन पीछे की सत्रह फंदे सीधे ग्यारहवीं सिलाई सीधी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया ए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह पंद्रह सीधे ने उन आगे की एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे सीधे बुने उन आगे की सत्रह फंदे सीधे बुने बारहवीं सिलाई उल्टी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह पंद्रह सीधे उन्हें उन आगे की एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह पंदे उल्टे बुने, उन पीछे की सत्रह पंदे सीधे बुने तेरमी सिलाई सीधी तरफ एक फंदा बिना बुना उतार लिया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह फंद सीधे बुने आगे की तेरह फंद सीधे बुने एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ऊन आगे की सत्रह पंदे सीधे बुने चौदवी सिलाई उल्टी तरफ एक पंदा बिना बुना उतार लिया एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह फंदे सीधे ने उन आगे की एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह पंदे उल्टे बुने उन पीछे की सत्रह पंदे सीधे बुने देखिए यहाँ पर चौदह सलाइयाँ बुन गई हैं सात जालियाँ इधर तरफ बनी हैं सात जालियाँ इधर तरफ बनी हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात यहाँ पर चौदह फंदे बढ़ाए हैं अब आगे जैसे यहाँ पर बुना है वैसे ही ऊपर बुनेंगे दस सलाइया सीधी तरफ सीधी और उल्टी तरफ सीधी बुनेंगे एक फंदा बिना बुना उतार लिया पूरी सलाई सीधी बुनेंगे दूसरी सिलाई उल्टी तरफ पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे पूरी सलाई सीधी बुनेंगे देखिए इन्हीं दो सलाईयों को दोहराते हुए आठ सलाइया ऊपर और बुनेंगे उसके बाद आगे बताएंगे आठ सलाइया ऊपर और बुन ली हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर दस सलाइया बुनी हैं। अब हम फंदे बंद करेंगे फंदे इस तरह से बंद करेंगे दो फंदे एक साथ सीधे बुने बुना हुआ फंदा सलाई पर चढ़ा लिया दो फंदे एक साथ सीधे बुने दो फंदे एक साथ सीधे बुने बुना हुआ फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया दो फंदे एक साथ सीधे बुने इसी तरह से सारे फंदे बंद कर देंगे आखिरी में दो फंदे एक साथ सीधे बुने दो फंदे एक साथ सीधे बुने दो फंदे एक साथ सीधे बुने दो फंदे एक साथ सीधे हम बुने यहां से ऊन काट देंगे और इस फंदे के अंदर से निकाल कर खींच देंगे देखिए इस तरह से मुझे बना है अब हम सुई से सिलाई कर देंगे यहाँ पर दस फंदों को एक साथ सिलेंगे एक दो तीन चार Mate. छ सात आठ नौ दस इस तरह से खींच कर यहां पर गांठ लगा देंगे अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक silai kar deengue. इस तरह से सिलाई करते हुए यहाँ तक सिलाई कर देंगे देखिए सिलाई हमने कर दी है देखिए इस तरह मुझे बने हैं यहां पर डोरी डाल देंगे देखिए डोरी इस तरह से बनाएंगे तीन फंदे सिलाई पर डाल लेंगे दो तीन डबल नोक वाली सलाई के ऊपर दोनों तरफ नोक वाली सलाई के ऊपर फंदे डालेंगे तीनों फंदे सीधे बुन लिए अब इन फंदों को इस तरह से इधर तरफ लिया है धागा इधर तरफ है अब तीन फंदों को इधर तरफ से सीधा बुन लेंगे यहां पर गोल गोल डोरी बन जाएगी अब इधर तरफ फो को कर लिया धागा इधर तरफ है हमें इधर तरफ बुनना है फिर इधर तरफ पंदों को दूसरी नोक तरफ ले आए फिर इधर तरफ से तीन धागा इधर तरफ है तीन फंदे सीधे बुने इस तरह से बुनते हुए डोरी की लंबाई तक पूरा देखिए अठारह इंच डोरी बना ली है अब हम फंदे बंद कर देंगे तागा तरफ है दो फंदे एक साथ सीधे बुने दो फंदे एक साथ सीधे बुने ऊन काट देंगे और इस फंदे के अंदर से निकाल देंगे बची हुई ऊन को सुई में डाल लेंगे और इस तरह से अंदर कर देंगे और यहाँ से ऊन बची भी काट देंगे डोरी को सिप्टि पिन से इस तरह से डाल देंगे देखिए मोजे इस तरह से बने हैं